दोस्तों, अभी के टाइम में आपका एक यूट्यूब चैनल तो वैसे आपको वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और आपका जो के सब क्वालिटी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। नहीं तो आपका वीडियो कोई भी देखने के लिए पसंद नहीं करता है और आपका वीडियो वही का वही रह जाता है, वो ग्रो नहीं हो पाता है। इसीलिए दोस्तों मैं यार आपको ऐसा भी बताने वाला हूँ जिसमें से आप जो के अपना एक ऑडियो क्वालिटी का पूरा ही प्रोफेशनली बना सकते हो, अपना ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो ये जो कि मोबाइल फ़ोन से। आपको कोई भी DSLR भी कुछ नहीं चाहिए, मोबाइल फ़ोन से आप लोग प्रोफेशनल जो कि ये रिकॉर्ड कर सकते हो। कैसे करना है कैसे नहीं सब बताऊंगा। और फिर फास्ट फास्ट जो यूट्यूबर आते हैं क्रिएटर, उनके पास जो कि ऐसे जो कि कुछ पता नहीं होता है, तो दोस्तों उनके लिए भी ये वीडियो है। आप लोग जो कि इससे ऐसे सीख के अपना ऑडियो को रिकॉर्ड करके अपना जो वीडियो है उसमें लगा करके जो कि ये कर सकते हैं गाइस। मैं मेरा पर्सनली बोलूँ तो ये वाला एप्लीकेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये वाला वॉइस जो आप सुन रहे हैं ये बोया बाय M1 माइक और मेरा वही एप्लीकेशन से रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों। और मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोन से मेरा वीडियो शूट करता हूँ और एक फ़ोन से मेरा आवाज़ को रिकॉर्ड करता हूँ और एडिटिंग के टाइम में उसी टाइम में वो ऑडियो को वहाँ पर दे देता हूँ, तो गाइस वीडियो पूरा ही अच्छा बन जाता है। तो गाइस कैसे करना है कैसे नहीं सब बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो पर बनना, आज तक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और क्रेजी होने वाला है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो कि आपको ये वाला जो रिकॉर्ड करने का मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, इसका नाम है दोस्तों लेक्सिस ऑडियो एडिटर। इसका जो कि मैं अभी सब सेटिंग बताऊंगा, आप लोग वही सेटिंग पर अपना आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे तो वैसे आपका ये जो आवाज़ है, आपका जो रिकॉर्ड किया हुआ वॉइस है, वो आपका प्रोफेशनली जैसे बोलते हैं वैसे ही पूरा मस्त बन जाएगा। और गाइस आप लोग उसको वीडियो पे भी दे सकते हैं गाइस। तो ये सब कैसे सेटिंग करना है सब बताऊंगा, तो आइए चलते हैं अपना मोबाइल का स्क्रीन पे और सर आपको बताते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपना मोबाइल का स्क्रीन पे। तो गाइस यहाँ पर आपको बताने के लिए हम आ चुके हैं मोबाइल का स्क्रीन पे। सो गाइस यहाँ पर पहले क्या करना, पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर, यहाँ पर लिख चुका है, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको हम पहले से इंस्टॉल करके रखे हैं अपना मोबाइल फ़ोन में। यहाँ पर आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है इसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर में भी आ करके यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पहले कुछ ये अलाउ कर देना, यहाँ पर अलाउ कर देना, यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए अलाउ कर देना। और गाइस यहाँ पर पहले जो सेटिंग है गाइस, यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ऊपर का जो राइट साइड का ऊपर में 3 डॉट्स, यहाँ पर आपको प्रेस करना है, यहाँ पर प्रेस करना है, यहाँ पर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम नीचे जाते हैं, तो गाइस सबसे नीचे आना है, यहाँ पर ऑप्शन का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको प्रेस करना है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट वाला जो ऑप्शंस का जो यहाँ पर प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। सो गाइस आपको जो पूरा ही मतलब शानदार क्वालिटी का प्रोफेशनल एक ऑडियो चाहिए, तो गाइस आपको ये क्वालिटी जो क्वालिटी का ऑप्शन है इसको आपको जो कि सबसे हाई करना है। यहाँ पर हमारे जो स्मार्टफोन है इसमें 320 KB यहाँ पर ऐसा आ रहा है, यहाँ पर हम सबसे जो हाई क्वालिटी है हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड स्टार्ट डिले, मतलब इतना जो क्या मिली सेकेंड, मतलब 300 मिली सेकेंड के बाद आपका रिकॉर्डिंग चालू होगा, मतलब 300 मिली सेकेंड एक सेकेंड से भी कम है। बाकी आप लोग देख सकते हैं लेटेंसी को, यहाँ पर आप लोग टच भी नहीं करना है, यहाँ पर लेटेंसी को वहीं पर ही रखना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड स्टेरियो इनटू ए मोनो चैनल, यहाँ पर रिकॉर्ड स्टेरियो इनटू ए मोनो चैनल लिखा हुआ है दोस्तों। ये पहले से जो टिक लगा कर रखा हुआ है इसको आप लोग अनटिक कर देना, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में स्टेरियो स्पीकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो मोनो चैनल से, इसीलिए आप लोग स्टेरियो में कर लेना दोस्तों। यहाँ पर नीचे जाते हैं ऑडियो इनपुट सोर्स,
यहाँ पर देख सकते हैं कैमकॉर्डर और डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ही आपको रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग इफ द डिवाइस गोस इनटू स्लीप मोड, इसको आपको जो के टिक रखना है, टिक में ही ठीक है। यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग इफ द डिवाइस गोस टू स्लीप मोड, मतलब आपको जो ग्राफ है बना बन रहा होगा इसको आपको देखना ही है, तो वैसे इसको आपको टिक भी रखना है। और यहाँ पर और एक यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट सिलेक्ट करना है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं WMA, MP3, WAV, वेब, फ्लैक, M4A, AAC है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर वेब नहीं तो फ्लैक को सिलेक्ट करना है। वेब और फ्लैक में बहुत ही शानदार क्वालिटी का ऑडियो आएगा, और यहाँ पर अलग को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर हम वेब पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में इंक्रीज रिकॉर्ड बुफर, यहाँ पर इसको जो के ऑन कर लेना है। तो वैसे ये जो के सब सेटिंग हो चुका है, आप लोग अभी अपना जो ये रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आपको ऑडियो मिल जाएगा। तो वैसे यहाँ पर इस ऑन करने के लिए यहाँ पर जो रेड कलर का बटन है यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा। यहाँ पर जो रेड कलर का बटन है, और वैसे यहाँ पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। यहाँ पर इसको स्टॉप करने के लिए जो ब्लू कलर का बटन है यहाँ पर जो के प्रेस करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू कलर का जो इक्वल टू का ऑप्शन यहाँ पर प्रेस करना होगा। यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। और इसको पूरा ही बंद करने के लिए क्या करना होगा, ये जो लास्ट में व्हाइट वाला ऑप्शन है, व्हाइट वाला यहाँ पर प्रेस करना है, तो वैसे आपका जो ऑडियो है स्टॉप हो जाएगा। तो कैसे यहाँ पर हमारा जो वॉइस है यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है। और कैसे ये वाला वॉइस को आपको एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर का जो थ्री डॉट्स यहाँ पर प्रेस करना है, ऊपर का जो राइट साइड में यहाँ पर प्रेस करना है। यहाँ पर इफेक्ट्स पर जाना है, और कैसे यहाँ पर नॉर्मलाइज करना है। यहाँ पर नॉर्मलाइज जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर हमको प्रेस करना है। तो कैसे यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो कि आपका जो वॉइस है दोस्तों वो आपका जो नॉर्मल बात करते हैं वैसे ही हो गया है, पूरा ही अच्छा यहाँ पर साउंड आएगा दोस्तों। यहाँ पर फिर से हम जाते हैं और आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो उसको आपको रिड्यूस करने के लिए नॉइस रिडक्शन पर प्रेस करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर आ जाएगा, आपको जो कि यहाँ पर देख लेना है कैसे कैसा नहीं। आप लोग यहाँ पर बढ़ा करके देख सकते हैं कैसे आएगा। यहाँ पर फिर यहाँ पर अप्लाई पर प्रेस कर देना है, यहाँ पर बढ़ा करके यहाँ पर प्ले देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ही साउंड आ रहा है, तो गैस यहाँ पर हमारा अप्लाई पर प्रेस कर देना है। तो गैस यहाँ पर बैकग्राउंड में सब हट चुका है। तो गैस यही था ये जो कि अभी हमारा जो वॉइस है दोस्तों ये हमारा पूरी तरीके से अच्छा हो चुका है। इसको सेव करने के लिए ऊपर का जो सेव का बटन है यहाँ पर प्रेस करना है, और यहाँ पर आप लोग रीनेम कर सकते हैं इसको। यहाँ पर जैसे कि हम कर लिख देते हैं YouTube डन कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो गैस ये सेव करने में इतना टाइम लेगा, यहाँ पर हमारा सेव हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जाते हैं तो हमारा सेव हुआ रखा है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 24 सेकंड का यहाँ पर सेव हुआ रखा है। यहाँ पर यही था आपको बताना कि आप लोग कैसे रुके ये प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे आपने देख लिया कि हम लोग कैसे तो आपको इतना से बता चुके हैं कि आप लोग कैसे जो क्या अपना वीडियो के लिए ये जो क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना ऑडियो को। तो वैसे ही था सुनो, आपको वीडियो का चैनल नीचे कमेंट करना ना भूलेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। हम ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। और दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है अनंत।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक है, जा करके फॉलो कर लेना। और आपको कुछ भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना ना भूलेगा, हम आपका वीडियो लाने की पूरी ही कोशिश करेंगे। मिलते हैं कोई ऐसे और लिंकने और क्रेजी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।